नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सारण बिहार से, जहां जर्जर भवन में चल रहे भगवानपुर थाना सहमे रहते हैं पुलिस कर्मी। खबर बता दें आपको विस्तार से कि आखिर पूरा मामला क्या है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। जान जोखिम में डालकर दूसरों को सुरक्षा देने वाले इन पुलिसकर्मियों की जान खुद ही खतरे में है। कड़ी ड्यूटी पूरी करने के बाद चैन की नींद लेने के लिए एक अदद भवन तक नसीब नहीं है। भवन की हालत ऐसी है कि बरसात के समय छत से पानी टपकता है। पानी से बचने के लिए पन्नी को छत पर फैला जाता है। जान हथेली पर रख कर पुलिसकर्मी ऐसे भवन में रहने को मजबूर है। अब तक कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इसके आवास व भवन के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यदि सोचा होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। भगवानपुर प्रखंड में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार के द्वारा थाना की स्थापना की गई, लेकिन खुद थाना अगर सुरक्षित नहीं हो तो आम लोग कितने सुरक्षित रहेंगे। यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि थाना को स्थापना काल से अपना भवन नसीब नहीं हो सका। याद हो कि 1985 में थाना की स्थापना की गई थी, वहीं आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से काफी वंचित है ये थाना। बरसात के मौसम में थाना परिसर में जल जमाव काफी समय तक बना रहता है। वहीं थाना भवन में खपरेला छत से हमेशा जहरीला सांप निकलता रहता है, जिससे हमेशा भय बना रहता है। थाने के पुलिस द्वारा जब्त किए वाहन के साथ अन्य सामान पड़ा रहता है, जो चार दीवारी न होने के कारण असुरक्षित है। गोदाम न होने के कारण खुले में वाहन खड़े रहने पड़ते हैं, जो सड़ रहे हैं और कबाड़ी के लायक बनते जाते हैं। रात दिन आम नागरिकों को बेहतर सुरक्षा सुविधा प्रदान करने के बोझ अपने कंधों पर उठा रही बिहार महाराजगंज के भगवानपुर थाने के पुलिस के पास रहने व थाने के लिए एक अदनशा अपना भवन अभी तक नसीब नहीं हो सका। ये सुशासन बाबू के शासन काल में है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या करती है। आप भगवानपुर थाना में पोस्टेड हैं क्या? तो यह जो जिसमें ये आप लोग का थाने का आवास है क्या? तो इसमें कितने दिन से रह रहे हैं? इसमें हम लोग साल भर से हैं। यह खपरेला है, ढेर दिन से है मकान, तो ढेर दिन से है। हम लोग इसमें जब पोस्टिंग हुआ था इसमें। अच्छा, बाढ़ के दिनों में कैसी यहाँ व्यवस्था रहती है बरसात के दिनों? बहुत दिक्कत। आपका नाम? पानी चूता है। रंजीत कुमार, राजेश कुमार की रिपोर्ट। खबर आ रही है सारण बिहार से, जहां बिहार के महाराजगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक ट्रक अंग्रेजी शराब बरामद किया और ड्राइवर भी गिरफ्तार। बरामद शराब की कीमत 20 लाख के करीब बताई जा रही है। खबर आपको बताते चलें विस्तार से। कहा जाता है कि गुनाह और अपराध करने वाला चाहे जितना भी शातिर हो, सातिर दिमाग क्यों न लगा ले, लेकिन निर्भया बलात्कार कांड तथा मुंबई के ताज होटल में हुए आतंकवादी हमले को प्रशासन ने अपने कर्तव्य और फर्ज कुछ समझते हुए सिर्फ 5 दिनों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर मिसाल कायम की। बिल्कुल कुछ ऐसे ही बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज प्रशासन ने मद्य निषेध विभाग पटना तथा अपनी चाणक्य नीति के बल पर बिहार की राजधानी पटना के लिए शराब की चली हुई एक बड़ी डीलिंग को चक्रव्यूह की तरफ भेदन करते हुए शराब माफियाओं के गाल पर करारा तमाचा लगाया है। बिहार के महाराजगंज जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पटना मद्य निषेध विभाग और स्थानीय थाने की पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में अफराज पेट्रोल पंप के पास से शराब लदे एक ट्रक को बरामद किया। बरामद शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। महाराजगंज में शराब बरामद हुई है, कितनी हुई और कहां से हुई है? मद्य निषेध पटना के सूचना अनुसार, हेलो, मद्य निषेध पटना टीम के साथ सहयोग से और महाराजगंज थाना पुलिस दोनों के सहयोग से अपराध स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने से एक राजस्थान नंबर की गाड़ी से, मुल्तानी मिट्टी लदा हुआ गाड़ी से लगभग 300 कार्टून शराब की बरामदगी की गई है। शराब की कुल मात्रा 2685 लीटर के आसपास है। 2682 के आसपास है। और इसमें ट्रक चालक की गिरफ्तारी हुई है। बरामद शराब से संबंधित अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। खबर आ रही है सारण बिहार से, जहां दरौंदा प्रखंड प्रमुख कार्यालय के सांसद ने फीता काट कर किया उद्घाटन। बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद विकास को गति देने के लिए कार्य शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के महाराजगंज के दरौंदा प्रखंड मुख्यालय स्थित IT भवन में 18 जनवरी को सांसद कविता सिंह ने नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख विनय कुमार सिंह के कार्यालय का फीता काट कर शुभारम्भ उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात सांसद कविता सिंह ने कहा कि प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख विनय कुमार सिंह सहित सभी पंचायत समिति सदस्यों को हार्दिक बधाई देती हूं। बता दें कि नवनिर्वाचित
प्रखंड प्रमुख विनय कुमार सिंह ने कहा कि दलौदा प्रखंड कार्यालय में जनता के समय से सभी कार्य होंगे। क्षेत्र की जनता को मान सम्मान मिलेगा, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, अंचल अधिकारी दीनानाथ कुमार, जदयू नेता अजय सिंह, भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी, जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर, पूर्व भाजपा MLC मनोज सिंह, प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि तिंजय कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तरफ से विधिवत उद्घाटन करवाया प्रखंड प्रमुख का, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? आज प्रमुख कार्यालय का हमारे आदरणीय सांसद महोदय कविता सिंह के द्वारा विधिवत कार्यालय का उद्घाटन किया। आज से सुचारू रूप से प्रखंड के कार्यालय के माध्यम से सभी विकास कार्य, वहाँ आम जनता से संबंधित जितने कार्य हैं सभी कार्य आज से संपन्न होना शुरू हो गए। प्रमुख साहब, देखा गया है कि पहले भी आप प्रमुख रहे हैं, जिस तरह से पहले विधि व्यवस्था थी, बीच में कुछ लचर व्यवस्था हो गई थी, अब क्या माना जाए? अब फिर आप आए हुए हैं तो उस व्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग 10 वर्ष काम किए हैं पहले भी, और आज भी जो है उसी तरह से प्रखंड में सबसे पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाना है। आम जनता का मान सम्मान प्रतिष्ठा इस ब्लॉक में रहे। सभी पदाधिकारी कर्मचारी दरौंदा के आम जनता का सम्मान करेंगे और उनको आदर के साथ उनका काम करके उनको विदा करेंगे। चलिए, एक अहम सवाल हम आपसे लेंगे आज, कि जिस तरह से प्रखंड विकास पदाधिकारी हुए, फिर प्रखंड की जितने भी डेवलपमेंट कार्य होती है या ब्लॉक से होती है, लेकिन ब्लॉक का सड़क ही बहुत स्थिति दयनीय है। आप भी देख रहे होंगे और तमाम 5 साल पहले भी आप देखे होंगे, उस सड़क को लेकर कुछ पहल की जाएगी आपकी तरफ से? निश्चित रूप से हम लोग जब जीत करके हम नंदा पंचायत में, जहाँ पर आप गए भी थे, जहाँ पे इंडियन गैस एजेंसी है, और ये जो पंचायत है खुद एक सिर्फ प्रखंड जो है उसी पंचायत में आता है, और लगातार वहाँ पे जल जमाव की समस्या बनी रहती है। आपने भी वहाँ पर फिजिकली वेरीफाई किया हुआ था, क्या कुछ उसको लेकर अभी तक की जो प्रयास है वहाँ पर सफल रहा, और क्या कुछ तैयारी चल रही है वहाँ? आज तो हम लोग अभी आए हैं दरौदा प्रखंड के प्रमुख के कार्यालय के उद्घाटन, आज इससे जुड़ी सारी बातें होगी, विकास की बातें तो रोज करते हैं। आज दरौदा प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर हम सभी उपस्थित हुए हैं, यहाँ जितने जनप्रतिनिधि समर्थक उपस्थित हुए हैं, और हम अपने तरफ से पूरे सिवान जिला के जनता जनार्दन की तरफ से यहाँ के वर्तमान प्रमुख जी को और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि को शुभकामना देता हूँ कि देखिए, आज विधिवत रूप से प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और हमारे प्रखंड प्रमुख के रूप में श्री विनय कुमार सिंह जी आज से यहाँ से विधिवत रूप से अपने कार्यालय से दरौदा प्रखंड के विकास के लिए कार्य करेंगे, और सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर प्रखंड के विकास में क्या क्या कार्य हो सकते हैं उसको सुचारू रूप से करने का कार्य करेंगे। हमारी शुभकामना प्रखंड प्रमुख जी को और उनकी सारी। मैडम, एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरह से जिले में लगातार क्राइम दर बढ़ता जा रहा है, प्रतिशत दर उसका बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आपके तरफ से क्या कुछ तहरीक की जा रही है? देखिए, जो भी क्राइम होता है हम लोग DMCSP से बात करते हैं, वहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, और जो व्यक्ति उसमें शामिल होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि निर्दोषों को भी शामिल कर लिया जाता है, तो प्रशासन के द्वारा उन लोगों को चयन करके जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसे हम लोग काम करते हैं और प्रशासन से करते हैं कि उन दोषियों को पकड़े और उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मान के चला रहे हैं मुख्यमंत्री जो से बात कही जा रही है धरातल उतर रही है आपके तरफ से पूरी तरह? 2005 से ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपराधी थे
और जहाँ तक ये छिटपुट घटनाएं होती पहले राजनीति आप जो भी कर रहे क्राइम हो रहा है आपसी विवाद को लेकर छोटी छोटी बातों को इशू लोग बना लेते हैं उसको क्राइम कर देते हैं। इस पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नज़र है, हमारे प्रशासन की नज़र है, वैसे उनको राजेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।